उसके बाद मामला और तुल पकड़ा। 14 फरवरी को बीजेपी के जो लीडर हैं सुकांतो मजुमदार, वो जाना चाहते थे परंतु पुलिस ने उनसे मारपीट किया और उन्हें क्या किया, उन्हें संदेश खाली नहीं जाने दिया गया। फिर उसी तरह से कई ऑपोजिशन लीडर जैसे आईएनसी से अधीर बाबू गए, उनको भी रोक लिया गया। सीपीएम से करात जी गई, उनकी एक बहुत बड़ी नेत्री है, वो जाना चाहिए, उनको भी रोका गया। फिर यह मामला हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट के आदेश पर यह कहा गया कि नहीं, ऑपोजिशन लीडर को जाने की अनुमति दी जाए परंतु एक सस्टेनेबल मैनर में। तो बीजेपी के तरफ से गए सुमेंदु अधिकारी और वहां के एक बीजेपी के जाने माने एक नेता गए, और वहां से सीपीएम से वृंदा करात जी गई और जाकर उन मामले को सुनी समझी और फिर उनको उचित जो कार्रवाई होना चाहिए उन तमाम टीएमसी के लोगों पर उनका पैरोकार किया। 9 फरवरी को हुआ क्या कि पुलिस वहां पर गई, इतना सब हो जाने के बाद पुलिस गई और 144 धारा लगा दिया और पुलिस का इस तरह से वहां पर जाना एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का एक अच्छा पहल थी। फिर 13 फरवरी को राष्ट्र महिला आयोग की जो टीम थी वह दौरा पर गई और दौरा पर जाने के बाद वहां पे पीड़ित महिलाओं के जो बयान थे उनको दर्ज किया और उनको आगे बढ़ाया। उसके बाद महिलाओं का यह कहना था कि जब भी महिलाएं पुलिस के पास ये बलात्कार, छेड़खानी और इस तरह के कई संगीन आरोप, जैसे उनके जमीन को हथियाया गया और उस जमीन पर विशेष तरह से उनको कब्जाया गया और उस पे बाबड़ी बनाया गया, मान लीजिए पुकुड़ कहते हैं वहां की भाषा में, बेड़ी कहते हैं, और उस बेड़ी पर क्या किया गया, उस बेड़ी पे वो पोखरा खोदा। उसके साथ ही मामला और आगे बढ़ा और वहां पे एक दिन हाल फिलहाल में डीजीपी गए और डीजीपी वहां पे पूरी रात बिताए, महिलाओं को ये आश्वासन दिया कि वो कार्रवाई करेंगे, वो उनपे अच्छे से अच्छे जो उनके हक में होगा महिलाओं की बयान दर्ज किया जाएगा।